माता की। भाजपा की एनडीए की सरकार बनते ही मोदी जी दमखम के साथ गाजे वाजे के बाद प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले, तय है हमारे। विपक्ष के महागठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ये तंज बेहद चुटीला है। सियासी पंडित विपक्षी एकजुटता को बीजेपी के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन सियासत के चाणक्य ने अपनी बिसात बिछा दी है। कानपुर में रैली के दौरान अमित शाह ने गठबंधन की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो हर दिन नया पीएम बनेगा और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बीएसपी एसपी का गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। अगर एक गठबंधन की सरकार बनी तो सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अपने अखिलेश जी बन जाएंगे, बुधवार को ममता दीदी बनेगी, गुरुवार को शरद पवार जी बनेंगे, शुक्रवार को देवगौड़ा जी बनेंगे, शनिवार को स्टालिन बनेंगे डीएमके वाले, और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। गठबंधन की राजनीति को देश ने कई बार देखा है। आपसी खींचतान और निजी स्वार्थ के चलते सरकारें कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाईं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री बदलते रहे, लिहाजा अमित शाह का ये तंज कुछ गलत भी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ मोदी ही बिना किसी समझौते के देश चला सकते हैं। वो पूरी शक्ति के साथ नया भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे प्रयासों का मजाक उड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दो ही जी थे ना, 2G था, 2G याद आ रहा है ना, 2G था तो 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले हुए, कितने हुए जरा जोर से बोलो कितने हुए। अब 3G तीसरा भी जी आ गया है, प्रियंका जी भी आ गई है, अगर इनके हाथ में आ गया तो क्या होगा। लोकसभा का चुनावी संग्राम सिर पर है, ऐसे सियासी प्रहार अभी और तेज होंगे। मंगलवार को अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भी जोरदार हमला बोला था, तो मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है। महागठबंधन के पीएम पर विपक्ष का कहना है कि उनका पहला मकसद मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, पीएम का फैसला वो बाद में कर लेंगे। यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन है तो कांग्रेस प्रियंका के सहारे सूबे में मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में है। बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, महाराष्ट्र में एनडीए के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी एक साथ है, पश्चिम बंगाल में ममता का मजबूत किला है। मतलब साफ है कि लोकसभा की ये जंग आसान नहीं है, लेकिन बीजेपी जनता को यही समझाने की कोशिश में है कि मजबूत सरकार सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। अमित शाह ने गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि गठबंधन में प्रधानमंत्री का दावेदार कोई नहीं है। ये भी कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो देश को हर दिन नया प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा और देश रविवार को छुट्टी पे भी चला जाएगा। कैमरामैन दिवाकर के साथ लोमस जी मीडिया लखनऊ।